हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो एक न्यूज़ सामने आई है UFC की लेटेस्ट, और थोड़ी सी बैड न्यूज़ है क्योंकि जो डस्टिन पोरिये, हम सब के फेवरेट फाइटर जो हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। और डॉक्टर्स ने बोला है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक वगैरह कोई चीज़ असर नहीं कर रही है और वो काफ़ी बुरी पोजिशन में है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि डस्टिन पोरिये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वो हील अप कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर, और आप सबको पता है कि डस्टिन पोरिये का फाइटिंग कैरियर के बारे में। तो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि थोड़े दिन पहले भी एक फाइटर एंथोनी जॉनसन, जिनका नाम है, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी कि वो उनकी डेथ हो गई थी और वो मर गए थे। वो भी किसी बीमारी का शिकार हुए थे और आई थिंक उनको कैंसर हुआ था, तो उनका भी इलाज नहीं हो पाया था। UFC के बहुत मशहूर फाइटर थे वो और चैम्पियनशिप के भी लड़ चुके थे। डैनियल कोडमेर से फाइट लड़ी थी उन्होंने 2 बार, एलेक्जेंडर गुस्टर्सन को हराया था उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे। और अब डस्टिन पोरिये जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा UFC फैंस से कि दुआ करें डस्टिन पोरिये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो जल्दी से जल्दी कमबैक करें UFC के अंदर। मज़े की बात यह है कि कॉनर मैकग्रेगर ने ट्वीट किया है जब उनको पता चला है कि डस्टिन पोरिये हॉस्पिटल में है। तो क्योंकि हमें पता है कि डस्टिन पोरिये और कॉनर मैकग्रेगर की एक राइवलरी चल रही, और दोनों की 3 फाइट हो चुकी हैं जिसके अंदर पहली फाइट मैकग्रेगर जीत गए थे और बाकी के दोनों फाइट जो हैं वो डस्टिन पोरिये जीत गए थे। तो कॉनर मैकग्रेगर ने ट्वीट किया है और उनको बोला है कि हील अप और दुआ करिए उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। साथ में छोटी सी उनकी बेइज्जती भी करी उन्होंने, जिसका डस्टिन पोरिये भी जवाब देते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर तुम अपनी फिल्मिंग से फारिग हो गए हो तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, और ताकि मैं तुम्हें दोबारा बहुत बुरी तरीके से मार सकूं, क्योंकि हमें पता है कि मैकग्रेगर फिल्म बना रहे हैं, उसके अंदर वो शूट पे गए हुए थे। तो डस्टिन पोरिये ने बोला है कि फिल्म वगैरह करके वापसी आओ ऑक्टेगॉन में, दोबारा मुझसे आगे लड़ो ताकि मैं तुम्हें दोबारा मार सकूँ, जिसके बारे में वो जिसका भी जवाब देते हैं मैकग्रेगर, और उनको ये ट्वीट करते हैं जो आपके सामने आ गया होगा। तो बस अब आप लोग क्या कहते हैं गाइस, के पहले तो दुआ करेंगे डस्टिन पोरिये ठीक हो जाएं, और अगर वो वापसी आते हैं कॉनर मैकग्रेगर तो उनको क्या डस्टिन पोरिये से लड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 फाइट हैं अपनी लास्ट डस्टिन पोरिये से हार हैं। तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए ठीक होगी कि वो दोबारा आकर डस्टिन पोरिये से लड़ें, और अगर वो फाइट लड़ लेते हैं तो आप लोगों को क्या क्या लगता है कि इस बार कॉनर मैकग्रेगर कुछ कर सकते हैं, या फिर जैसे पिछली 2 फाइटों को रिजल्ट आया ऐसा ही कोई रिजल्ट आएगा? तो कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा हमें कि आप लोग क्या सोचते हैं डस्टिन पोरिये वैसे कॉनर मैकग्रेगर की 4थी फाइट के बारे में, और डस्टिन पोरिये के लिए दुआ करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।